ये आज है हम लखनऊ के मोती महल में और मोती महल लॉन में। यहाँ पे हमारे अजीज दोस्त हैं राशिद साहब पीसीआर से, तो इनके साथ हैं आज हम लोग यहाँ पे। तो बताएंगे, जानकारी देंगे आपको। अभी इनकी एग्जीबिशन लगी हुई है यहाँ पे, तो अभी अपना परिचय भी देंगे और पूरी जानकारी भी देंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि क्या है यहाँ पे एग्जीबिशन में। हाँ, गेस्ट हैं हमारे जी, जानकारी दीजिए सर थोड़ा सा पीसीआर के बारे में कि क्या है आपका प्रोग्राम, क्या कार्यक्रम। चलिए, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम राशिद है और मैं पीसीआर में इम्पैनल्ड फैकल्टी हूँ। और जो आज ये राज सर जो हमारे आए हैं, ये हमारे मित्र भी हैं और काफ़ी पहले से मुलाकात हुई, तो आज ये घूमने के लिए आए थे बुक फेयर में। ये लखनऊ बुक नेशनल बुक फेयर लगा 18th, ये हर साल लगता है। पिछले 2 सालों में कोरोना के वजह से नहीं लगा। यहाँ पर जो बुक प्रेमी है, देखिए डिजिटल दौर हो गया है, ठीक है, लोग मोबाइल में पढ़ने लगे हैं, देखने लगे हैं, लेकिन आज भी बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर बुक्स पढ़ते हैं तो आपकी माइंड की एक्सरसाइज होती है। तो जो ये बुक फेयर है, यहाँ पर बहुत बुक प्रेमी आ रहे हैं और लोग यहाँ बहुत अच्छे से घूम रहे हैं, देख रहे हैं, बुक्स खरीद रहे हैं। मेरा क्या रोल है यहाँ बुक फेयर में, देखिए ये जो देख रहे हैं आप पीछे एग्जीबिशन लिखा हुआ पीसीआरए का लोगो, ये देखिए लोगो देख रहे हैं पीसीआरए का। तो ये पीसीआरए जो है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का एक यूनिट है। इसका उद्देश्य है लोगों को अवेयर करना कि हम जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं उसको हम किस ढंग से इस्तेमाल करें जिससे कि हमारी बचत हो। इस्तेमाल तो करना ही है, जैसे नौजवान साथी हमारे, उनके लिए हमारा ये कहना है कि देखिए बाइक में एडवर्टीजमेंट के माध्यम दिखाया था बाइक तेज दौड़ रही है, तो उनके माइंड में सेट हो जाता है कि मुझे बाइक तेज दौड़ानी है। लेकिन अगर उनसे पूछ लिया जाए कि तेज गति से वाहन चलाने के क्या क्या फायदे हैं, तो वो नहीं बताते 2 फायदे, एक जल्दी पहुंच जाते हैं और दूसरा मज़ा बहुत आता है। अब अगर उनसे ये पूछा जाए कि मज़ा क्या आता है, किसी ने रसगुल्ला तो दिया नहीं खाने के लिए, है ना, और जल्दी पहुंच जाते, कहाँ जल्दी जाना है भाई आपको, जल्दी कहाँ जाना, ईश्वर के पास, अल्लाह के पास या अपने घर। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप बाइक चलाते हैं तो स्पीड आपकी कितनी होनी चाहिए, 45 से 55। अगर आप 45 से 55 की स्पीड से वाहन चलाते हैं तो इससे आपका पेट्रोल तो 25% तक सेव हो गई होगा, साथ ही साथ पेट्रोल से ज़्यादा कीमती आपकी जान है वो आपकी सेव होगी, ठीक है। और पेट्रोल बचाने के दूसरे टिप्स क्या है, टायर प्रेशर। बहुत से लोग क्या करते हैं, 15-15, 20-20 दिन बीत जाता है लेकिन टायर प्रेशर चेक ही नहीं कराते हैं। आप 3-4 दिन बाद टायर प्रेशर चेक कराएं, ताकि अगर उसमें हवा कम है तो उससे 2 नुकसान है, एक तो पेट्रोल की खपत बढ़ जाती है और साथ ही साथ आपके टायर भी जल्दी घिस जाते हैं, तो उसमें भी आपका नुकसान है। तीसरा टिप्स ये है कि आप समय पे उसकी सर्विस जरूर कराएं। बहुत सी बाइक में देखा होगा आपने धुआं निकल रहा है और चल रहा है, उसको कभी एहसास नहीं होता कि धुआं निकल रहा है, क्योंकि पीछे वाले को लगता है और पीछे वाला क्या कहता है ये तो आप समझ ही रहे होंगे कि वो गाली ही देगा और कुछ नहीं करेगा जब उसके मुंह पर धुआं जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो और चौथा है कि सही गियर में वाहन चलाएं। आपने देखा हो अक्सर लोग दूसरी साइड में घुस जाते हैं और फिर घुमा के जूं इधर, इस तरीके नहीं, समान गति से चलाएं और सही गियर में वाहन चलाएं। गलत गियर में वाहन चलाने से सबसे ज़्यादा पेट्रोल की खपत बढ़ जाती है 40%। इसी तरीके से हमारा रसोई गैस है, महिलाएं जो है रसोई गैस प्रयोग करती हैं, हर घर में करती हैं। वैसे तो 10-12 टिप्स हैं लेकिन मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 1-2 टिप्स पर मैं बताता हूँ कि जिस पर जो शहर की महिलाएँ हैं वो अपना सिलेंडर अपने आप 10-12 दिन बढ़ा सकती हैं। देखिए आप लोगों को पता होगा कि हमारे घरों में जो दूध आता है वो पैकेट में आता है, पैकेट में दूध आता है और ज़्यादातर महिलाएं क्या करती हैं, दूध मार से आया चाहे उनके बेटे लाएं, हस्बैंड लाएं, और लाने के बाद वो तुरंत दूध को भगोने में डाल के रसोई गैस पे चढ़ा देते हैं। तो रसोई गैस पे जब चढ़ जाता है दूध तो रसोई गैस जलाते हैं तो जलती कितनी देर है, 1 लीटर दूध को लगभग गर्म करने में 3 मिनट तो आपकी रसोई गैस फालतू जलती है, बर्बाद होती है। उसको बचाने के लिए आपको 10 मिनट के लिए नॉर्मल टेम्परेचर में लाने के लिए दूध को रख देना है, 10 मिनट के बाद ही रसोई गैस पर चढ़ाना है। तो इस तरीके से अगर आप एक बार दूध का प्रयोग इस तरीके से करेंगे
तो आप बार बार इसी तरीके से करेंगे, आपकी बचत होगी। और वरना आप क्या है, एक बार जब दूध आएगा ठंडा तब भी आप रसोई गैस बर्बाद करेंगे, और सुबह उठेंगे तो फिर इससे निकाल के फिर रसोई गैस पे चढ़ा देंगे तब फिर बर्बाद करेंगे। आप कहेंगे हमारा सिलेंडर बहुत कम आ रहा है, वो कम दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे काम करने के तरीके पर है। अगर हम सही तरीके से काम करते हैं, सही तरीके से रसोई गैस का प्रयोग करते हैं तो हमारा फायदा होता है। और भी छोटे से टिप्स हैं, जैसे कि चना राजमा चावल इनको भिगो लेना चाहिए, सब जानते हैं नानी दादी कहा करती थी हमारी। और सारी सामग्री को पहले से रख लें, उसके बाद रसोई गैस जलाएं। एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ जो आजकल समाज में ख़त्म होती चली जा रही है, वो ये है कि लोग अलग अलग समय पे खाना खाने लगे हैं। भैया आए घर में, उन्होंने अलग समय पे खाना खाया, पिताजी आए उन्होंने अलग समय पे खाना खाया। इससे क्या है, एक तो सामाजिक जो मेलजोल होना चाहिए परिवार में वो नहीं हो रहा है, और दूसरा गैस भी हमारी ज़्यादा बर्बाद हो, कि जो आता है वो गर्म करता है खाना। तो उसमें क्या है, ये टिप्स जो है लोग ज़्यादा अपनाएं कि एक समय फिक्स कर लें और उस समय सब मिलकर एक साथ खाना खाएं, ताकि बार बार गर्म न करना पड़े। बार बार गर्म करने से भी हमारी रसोई गैस बर्बाद होती है। और अगर आप कार चलाते हैं तो कोशिश करें कि कार चलाते वक्त कारपूल का इस्तेमाल करें। अगर आप एक ही कॉलोनी में रहते हैं, और अगर आप कहीं जॉब करते हैं, टीचर हैं या किसी बैंक में, और एक ही कॉलोनी में रहते हैं चार पांच लोग, तो एक कार का प्रयोग करके कारपूल का इस्तेमाल करें, जिससे कि फ्यूल, आप लोगों को पता है कि फ्यूल कितना महंगा होता चला जा रहा है ना। तो क्या है, महंगा होगा कम होगा ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी वो ये है कि आप किसी भी तरीके से फ्यूल को बचाएं, सही तरीके से चलाएं वाहन, सही तरीके से रसोई गैस प्रयोग करें। और उम्मीद है कि आप अपनी पेट्रोल बचाने के साथ साथ, डीजल बचाने के साथ साथ अपनी लाइफ भी सेव करेंगे। बाकी मैं राज सर को कहना चाहूँगा कि बाकी आप जो कुछ कहना चाहें कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर रशीद भाई। आप एक तो पेट्रोलियम कंजर्वेशन से हैं, प्लस इनकी अपनी संस्थाएं भी हैं। थोड़ा सा अपनी संस्था के बारे में सर परिचय दे दीजिए, क्या कार्य करती है आपकी संस्था। सर हमारे जो है सोशल वर्कर हैं और बहुत बहुत हेल्पफुल करते हैं, और 24 घंटे बहुत मेहनत करते हैं सामाजिक क्षेत्र में, समाज को आगे बढ़ाने के लिए। तो अपनी संस्था के बारे में सर थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए। मेरी संस्था का नाम है सोशल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन सोसाइटी, जो लगभग 12-13 साल हो गए हैं उसको चलाते हुए, एनजीओ को हमारी। और उसमें हम लोगों ने शुरुआत में नाबार्ड से जुड़कर काम किया था, एसएचजी पर और फार्मर्स क्लब पर। उसके बाद मेरी एनजीओ के माध्यम से मैंने कई ट्रेनिंग्स ली है, बर्ड में बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, उससे मैंने कई ट्रेनिंग्स ली है। और मैंने गेल इंडिया लिमिटेड के साथ भी लगभग 4 साल फोर्टनाइट के समय काम किया, उनकी कई एक्टिविटीज़ मैंने कराई हैं, 100% वर्क दिया है उनको, और उन्होंने मुझे अप्रिसिएशन लेटर भी दिया है। गेल अपनी 9 रत्न कंपनियों में आती है, और PCRM में मैं इम्पैनल्ड फैकल्टी हूँ, और पिछले लगभग 10 सालों से मैं PCRM में भी इम्पैनल्ड फैकल्टी हूँ। और उसमें डोमेस्टिक वर्कशॉप है, एग्रीकल्चर वर्कशॉप है, यूथ वर्कशॉप है, किसान मेला है, एग्जीबिशन है, इसमें मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। और अभी कोरोना से पहले मैंने CSR पर भी काम किया है, जिसमें महिलाएँ घर में चाहती हैं कि हम कुछ कमाएँ, अपने पैरों पर खड़े हों, तो हमारी संस्था ने महिलाओं के लिए ब्यूटिशियन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी बहुत ही मतलब रजिस्ट्रेशन शुल्क में ही उनको मुहैया कराते हैं, सारी सामान सामग्री भी प्रैक्टिकल के लिए। और जब मैंने उसको 2-3 साल से लगातार कराया, तो हमारे काम को देखते हुए हमारे मनीष शर्मा सर थे, जो कि बिरला ग्रुप से जुड़े हुए थे, रायबरेली के आगे 9 किलोमीटर कुंदनगंज पड़ता है, वहाँ पर MP बिरला ग्रुप की एक सीमेंट फैक्ट्री है, उनके माध्यम से मैंने कोरोना से पहले लगभग 40 बच्चों को ब्यूटिशियन का प्रशिक्षण कराया है, और 30 महिलाओं को मैंने टेलरिंग का करवाया है, और मैंने इस साल भी करवाया है। और जो हमारी संस्था के माध्यम से जो महिलाओं को सिखाते हैं हम लोग, वो लगभग 400 महिलाएं सीख चुकी हैं, जिसमें से लगभग 10% 40-45 महिलाएँ अपना खुद का रोज़गार चला रही हैं, उनका रिकॉर्ड है हमारे पास बाकायदा। और आए दिन हम लोग ये प्रयत्न करते हैं कि महिलाएं समाज में आगे बढ़ें। देखिए महिला शक्ति कहते तो हैं, महिला शक्ति, बैनर लगा लिया, भाषण दे दिए, फोटो खिंच गई, मैं नहीं चाहता हूँ ये सब हो। मेरा मकसद ये है कि महिला शक्ति है, अगर शक्ति बनानी है तो सबसे पहले आपको अपनी महिला को, यानी बच्चा अगर घर में लड़की पैदा हुई है तो आपको एक चीज़ ठान लेनी है कि उसको एजुकेशन जरूर देनी है। अगर एजुकेशन दे दी तो समझ लिए शक्ति हो गई,
अगर एजुकेशन नहीं दी तो कोई शक्ति नहीं बन पाएगी, वो अबला नारी रहेगी। आपने एजुकेशन अच्छी दिला दी अपनी बेटी को बहन को, तो समझ लीजिए वो महिला शक्ति हो गया पूरा। जो सरकार का है कि महिला शक्ति हो, वो उनका सपना पूरा हो जाएगा सरकार का, और हमारा अपनी जिम्मेदारी भी बनती है समाज के लिए कि हम अपनी बहनों को बेटियों को अच्छी एजुकेशन दें। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन होने से हम अपना जो भी मकसद होता है वो पा सकते हैं। इसके साथ ही जो भी महिलाएँ हैं अगर वो लाचार हैं परेशान हैं तो उनको हमारी संस्था मदद भी करती है उनको पैरों पे खड़ा होने के लिए, जैसे कि हम लोग उनको ट्रेनिंग फ्री करवा देते हैं और उसके बाद उनको सपोर्ट भी करते हैं अपना खुद का कारोबार कैसे चलाएं। और कई लोगों को हम लोग ने सपोर्ट भी किया है और लोगों के ज़रिए से जहां हम नहीं पहुंच पाते हैं कोई दूसरा पहुँच पाता है तो उसके माध्यम से भी हम लोगों ने लोगों को सुविधाएँ उपलब्ध कराई हैं। जो लोग अपना कारोबार अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हों वो राशिद भाई से संपर्क कर सकते हैं। इनका वर्किंग एरिया सर क्या क्या है आपका वर्किंग एरिया? ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी अगर आप अपना कोई सेंटर खोलना चाहते हैं, सिलाई सेंटर है, ब्यूटीशियन सेंटर है, फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, तो आप इनके नंबर से, फोन नंबर है इनका, नंबर बोल दीजिए सर, नंबर इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे दूंगा, 7007-294-590। दो तीन बार रिपीट, 7007-294-590 7007-294-590। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप अपना सेंटर अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं और इनकम अपनी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा मेरी निगाह से आपको ये एग्जीबिशन दिखाना चाहता हूं। तो आप देखिए लखनऊ का 18th एग्जीबिशन बुक क्या है, ये बुक फेयर, नेशनल बुक फेयर। ठीक है, भूल जाता हूँ मैं उसके लिए। ठीक है, हाँ थोड़ा सा टहल लेंगे, दिखा देंगे। ये आज हम लखनऊ के मोती महल में हैं, यहाँ पे लास्ट है आज आखिरी है, ये 18th एग्जीबिशन है। ये थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे ज़्यादातर दिल्ली से आए हैं, भारतीय कला प्रशिक्षण है, ऋषि पब्लिकेशंस हैं, विधि बुक्स हैं। जो लोग बुक्स के प्रेमी हैं, क्योंकि लीडर्स आर रीडर्स, जो लीडर्स होते हैं वो रीडर्स होते हैं। ये है ऋषि पब्लिकेशन और ये है एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एक्ट्स, सब न्यू दिल्ली से हैं। तो जो लोग अपनी बुक पब्लिश करवाना चाहते हैं, जो राइटर्स हैं, वो लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लिखने का शौक है, अगर आप लिख लेते हैं, राइटिंग का है, तो फिर आपके लिए ये मेला बेस्ट है। ये एग्जीबिशन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप राइटर बनना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, या शायरी है या पोयम है या कुछ भी, तो आप अपना कुछ नोट्स हैं जो आप पब्लिश करवाना चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं। राष्ट्रीय नेशनल बुक फेयर है ना, हमारे यहाँ अभी कुछ भी उन्नत व्यवस्था नहीं बनी है। अगर ये व्यवस्था
व्यवस्था बन जाए कि एक लेखक को फिल्म उपार्जन के लिए वो नौकरी या व्यवसाय कर रहा है, यदि कोई फेलोशिप या कोई ऐसा उसको आय का जरिया बन जाए, और ये बुक से आपको जो है वो लाइफ टाइम पैसिव इनकम होती है। अगर आपने एक बार बुक पब्लिश करा दी अपनी तो वो हमेशा के लिए हो जाती है। एक बार आपने अपनी बुक लिख ली फिर वो हमेशा पैसा देती रहती है, रॉयल्टी मिलती रहती है हमेशा। ठीक है, तो जो लोग बुक पब्लिश करवाना चाहते हो या जिस इनकम के लिए किसी भी तरीके से हो तो वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9935448997। ठीक है, ठीक ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके डाटा, बाय बाय। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।